अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज की मॉर्निंग है जो बहुत ही प्यारी और अच्छी है। आज धूप नहीं है और मौसम बहुत प्यारा है और मौसम जो है बारिश का बना हुआ है। और आपको मैं दिखाती हूँ, देखो यहाँ का व्यू। और अभी हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी और यहाँ पर हो रहे हैं दाने साफ, जिसको हमने चक्की पे देना है और आटा पिसवाना है। यहाँ पर लगी हुई अम्मी लोग दाने वगैरह साफ करने के लिए लगे हुए हैं। और यहाँ पर देखें, भाई चरपाई डाली हुई है, बच्चे और उस्मान यहाँ लेटे हुए और मौसम इंजॉय कर रहे हैं। ये जी अभी हम लोग नाश्ता करते हैं। हाँ जी, बने थे घर पर आलू की कतलियाँ। और ये अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है और अम्मी लोग अभी तक दानों के साथ लगे हुए हैं और दानों का अभी तक काम कर रही हैं। और बहुत टाइम लग गया इनको दाने वगैरह साफ करते हुए। अभी मैं धो रही हूँ अपने कपड़े और बच्चों के भी हैं वो पड़े हुए, और मैं फटाफट कपड़े धोती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। और अभी मेरे कपड़े धुल गए हैं और मैंने ड्राई मशीन में डाले हुए, और जैसे ही ड्राई होते हैं फिर हम इनको निकालते हैं। मौसम तो अच्छा है, मैंने कहा ऐसे ही डाल दूँ, फिर मैंने कहा यहाँ वही बात है, गंदम का काम वगैरह करते हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं उसकी, तो फिर पानी टिपकता रहेगा, और इस वजह से मैं उनको ड्राई कर रही हूँ। और अभी मैंने कपड़े तार पर डाल दिए हैं और यहाँ पर भी डाले हुए, और यहाँ इनका मैच चल रहा है बैट बॉल का। क्या कर रहे हो, इसके आपकी बारी नहीं दे रहे, इसको भी दो बारी। और ये इंजॉय कर रहे हैं बैट बॉल। और फिर कराची में जा के तो इन्होंने बोर ही होना है, क्योंकि वहाँ तो बहुत छोटा घर है और वहाँ पे ये लोग नहीं खेल पाएंगे। यहाँ बड़ा घर है, बड़ा सहन है और यहाँ पे लोग खूब इंजॉय करते हैं। इसको भी बारी दो। तो अभी जो शाम का टाइम हो गया, दिन में खाना वगैरह खाया, थोड़ा सा आराम किया। इसने तो बिल्कुल भी आराम नहीं करने दिया, या हाँ इसने तो बहुत तंग किया। और अभी साथ में हम लोग चाय पीते हैं और साथ में पापड़ भी फ्राई किए। और चाय पीने के बाद अभी मैं बच्चों को लेकर जा रही हूँ थोड़ा बाहर, और थोड़ा इंजॉय करने के लिए खेतों में लेकर जा रहे हैं आगे। हानिया को देखें आगे आगे जा रही, और हम लोग अभी जा रहे हैं आंटी के घर। अभी हम लोग आगे आए हैं और ये देखें यहाँ पर वही भैंस वगैरह ये सब कुछ। हानिया ये क्या है, बाऊ बाऊ। और यहाँ पर ये इनका घर है सामने वालों का, और बहुत ही प्यारा व्यू। आज मौसम भी बहुत अच्छा है। और ये देखिए अपने भैया की चॉकलेट उसको नहीं दे रहा, एक आपकी थी और एक भैया की थी। मिल के खाओगे, ठीक है, मेरे को दो। नहीं नहीं आगे चढ़ना है। इसको देखें हानिया को, जो तेज हुई है माशाल्लाह से, शुक्र किया है, नहीं तो इन जगहों से इतना डरती थी और आती भी नहीं थी, बहुत ज्यादा डरती थी। तो अभी देखें ये क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो हानिया, गिगे क्या हाँ जा रही हो। तो बस अभी यहीं पे रुकते हैं, थोड़ी देर ये लोग खेलें और फिर घर वापस चलते हैं। और आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी, आज मेरा दिल जो है बहुत ज़्यादा उदास था, इस वजह से मैं बाहर आई हूँ थोड़ा सा मूड चेंज करने लगी, क्योंकि कराची से कॉल आई थी और मेरे भाई का जो है एक्सीडेंट हुआ है, और उसका जो है उनका जो है एक्सीडेंट हुआ है, उनके सर पे चोट आई है और 9 टांकें आई हैं उनके सर पर। अल्लाह पाक का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं गया, जो चोट उनकी थी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हुई, 9 टांकें तो आएँ पर अंदर जो मगजाली होती है क्या, वहाँ तक जो है चोट नहीं गई। और दिमाग का जो होता है सीटी स्कैन वगैरह ये सब कुछ करवाया, तो अल्लाह पाक का शुक्र है सब ठीक ठाक हैं। और बस परेशान थी इतने दिनों से, और अभी फिर मुझे 4-5 दिन के बाद उन्होंने बताया किस तरह से उनका एक्सीडेंट हुआ है। बस अल्लाह पाक से दुआएं कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे और तंदुरुस्ती दे। ओ और यहाँ पर इसको देखें, ये उधर जा रहा है गाय के पीछे, उधर उधर नहीं जाओ भाई, यानी कि आपको खा जाएगी या कुछ, उसको रोकने की कोशिश कर रही है। इसका लाड और प्यार देखें, बोलो रुक जाओ रुक जाओ, हानिया भैया को रोको, कहाँ जा रहे हो आप दोनों। और ये दोनों अब आगे की तरफ जा रहे हैं और वो साइड पर हो गई है। चले हम भी थोड़ा सा अब चलते हैं,
ये लोग भी थकेंगे, थोड़ा सा मूड उनका भी चेंज हो जाएगा और फिर घर के चले चलते हैं। और आज सुबह से मौसम बहुत अच्छा है, धूप बहुत ज़्यादा कम थी, कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, धूप थी, पर यह कि आज माशाल्लाह से मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, धूप नहीं थी, तो उसकी वजह से अम्मी लोग दाने वगैरह भी तीन बोरियां दाने साफ़ कर चुकी हैं अच्छे से, और उनका कल जो है आटा पिसवा कर लेकर आएंगे, क्योंकि आटा ख़त्म हुआ था, तो अभी भी वो लोग काम ही लगे हुए थे, हम लोग चाय पीकर बाहर आए हैं। वो देखें एक्शन मार मार के चलता है। और क्या कर रहे हो, कैसे चल रहे हो, चप्पल सारी गंदी हो जाएगी मिट्टी के साथ। और हम तो चले, मैं अभी इनकी एक दो पिक्चर लेती हूँ। तो गाइज मैं अभी आई थी बच्चों को लेकर, और वहाँ देखे वो आगे वो लोग खेल रहे हैं, और ये उस्मान भी आ गए हैं, और हम लोगों ने यहाँ बैठे हुए, और उनके हम लोग पिक लेना चाह रहे थे, तो उन्होंने एक पिक्चर भी नहीं बनवाई। और सूरज भी देखें सामने इतना प्यारा लग रहा है, और बस यहाँ का व्यू और सब कुछ अच्छा लग रहा है। बस तुम्हारे कितने दिन रह गए जी? 3 दिन। 3 दिन रह गए, और हम लोग फिर चले जाएंगे कहाँ? कराची। और वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो और ये मौसम, हमें बहुत याद आएगा गाँव हमारा। तो गाइस अभी यहाँ पर अंदर आए हैं, ये वही मैंने आपको बताया था उस्मान के कज़न का घर है, और ऊपर दिखाते हैं इनकी छत का व्यू, और यहाँ से ऊपर छत का व्यू देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है, और वो भी हमारे मामू का घर है। और यहाँ से हम लोग सीढ़ियों से ऊपर आए हैं, अभी बना नहीं हुआ, और अभी जो है कच्चा है, वो फुल तैयार नहीं हुआ, हाँ कंप्लीट नहीं हुआ, और बहुत जल्द इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा वाला घर था। अभी हम लोग ऊपर छत पर गए हुए थे, और अभी छत से नीचे उतरे और अभी जा रहे हैं घर। ये देखें इन्होंने मिट्टी में, अरहम और हानिया ने दोनों ने कपड़ों का बुरा हाल कर दिया, और एक दूसरे ऊपर बिंटी भी गिरा रहे थे और मिट्टी में हाथ भी मारे इन्होंने। और अभी जाकर इनके कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। अरम आपने तो बहुत बुरी हालत की हुई है कपड़ों की, चप्पल भी उल्टी पहनी हुई है। चलो घर हो, इनका तो दिल ही नहीं कर रहा घर जाने का। चलो आओ, चलो आओ, हानिया के भी कपड़े गंदे हो रहे हैं, इसके भी कपड़े चेंज करते हैं। चलो चलो बहुत हो गया खेल कूद, चलो अब घर चलते हैं। तो गाइस अभी शाम को हम लोग घर आ गए थे, और फिर उसके बाद मैं अपने रिश्तेदारों के घर गई हूँ, और फिर अभी घर आई हूँ, तो आंटी ने बनाए हैं करेले और चने की दाल, और यहाँ पर दूध बॉयल हो रहे हैं, रोटियाँ भी बन गई हैं, और दिन के आलू भी हैं, और देखते हैं मैं तो यही खाऊँगी, और करेले दाल भी बना हुआ है। तो अभी हम लोग रोटी खाते हैं, और ये जो है सो के उठा, इसका मूड ऑफ हुआ है, और मैं इसको अभी उठाती हूँ। शाम से इसने बहुत तंग किया हुआ था, और ये गलत टाइम से सो गए अब, और अभी दोबारा खाना खा के हम लोगों ने भी सोना है, अब ये तंग करेगा। और यहाँ भी उनके कपड़े भी सूख गए थे थोड़े बहुत, और मैंने उतार दिए, और शाम को फिर हम लोग जब खेतों में गए, उन्होंने सारे कपड़े गंदे कर दिए, तो फिर मैंने इनके चेंज किए, और अंदर ज़ैफ़ा तो टाइम से सो गए हैं, लेकिन ज़ैफ़ा तो टाइम से सो गए। अभी मैं इसको कम्बल वगैरह देती हूँ, और अपनी भी बिस्तर वगैरह लगाती हूँ, और फिर हम भी लेटेंगे, और अभी नींद में बस इसको भी अभी मैं सुला रही हूँ। अरे हाँ नहीं, कोई बात नहीं, सुन रहा। चलें अभी हम लोग खाना खाते हैं।